आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। आज छतरपुर जिले के निवासियों से मेरा अनुरोध है, आज जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और माननीय विधायकगण और माननीय प्रभारी मंत्री से चर्चा करके निर्णय लिया गया है कि छतरपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाए, जो विभिन्न शर्तें शासन की गाइडलाइन के हिसाब से लगाते हुए उसको आज रात के 10 बजे से लेकर के 22 तारीख को सुबह 6 बजे तक के लिए लगाने का निर्णय लिया है, क्योंकि छतरपुर जिले में कोरोना के केसेस काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उसको रोकने के लिए आवश्यक था, सभी की राय हुई कि कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए, इसलिए छतरपुर में आज रात से कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है। तो मेरा सभी छतरपुर जिले के निवासियों से अनुरोध है कि कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन का पालन करें, अन्यथा वैधानिक कार्रवाइयाँ होंगी। जो लोग अति आवश्यक काम से घरों से बाहर निकल रहे हैं बिना मास्क के ना निकले, कोई भी बिना मास्क के अगर निकलेगा तो उसके विरुद्ध अब आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे, जो भी विधि के अनुसार प्रावधान है। साथ ही जो लोग कंटेनमेंट एरिया में निवासरत लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि वो बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। जो भी उनको सामग्री वगैरह की जरूरत है उनको फोन नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, उन नंबरों पर फोन लगा करके अपनी जरूरतें की जो सामान है मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो बाहर घूमते हुए पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध भी आपराधिक प्रकरण सख्ती से दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि अब ये समय नहीं है किसी के साथ मुरव्वत की जाए। छतरपुर जिले के निवासियों को बचाने के लिए सख्ती से कार्रवाइयाँ की जाएंगी अगर आवश्यक होंगी। तो मेरा अनुरोध है कि ऐसी स्थितियाँ ना बने कि किसी पर कार्रवाई की जरूरत पड़े। आप लोग स्वयं समझदार हैं, इसलिए जब भी घर से निकलें और बहुत ज़रूरी काम हो तो ही निकलें, अपना ना निकलें, 7 दिन तक घरों में ही रहें। और जब अगर अति आवश्यक काम से निकलना जरूरी है तो केवल मास्क लगा करके ही निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, तथा बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें।